बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, हमारे यहाँ भी आ गई हैं, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने से ज़्यादा जो है ना अपने बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। तो आज कल जो है ना हमारे बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगी हुई है, क्योंकि जब हम रात में काम कर रहे होते हैं तो ये उधर हम इनको कमरों में बिठा के आ जाते हैं, तो ये इधर ही आ जाते हैं। अच्छा, ज़ैफा खान जो है ना वो तो हमारे साथ किचन में ही होता है सुबह शाम, जी जैसा कि अभी भी खड़ा हुआ है। और मोहम्मद सुबहान को भी थोड़ी सी ठंड लग गई थी, बस नज़ला ही हुआ है, तो आज मैं इसकी दवाई लेके आई हूँ। फाइका जो है वो स्कूल चली जाती है और फजर और हुज़ैफ़ा सारा दिन ही खेलते रहते हैं, तो इसको ठंड लग गई थी, बस जुकाम हुआ है, तो इसकी जो दवाई है वो मैं लेके आ गई हूँ। दवाई मैंने इसको दे दी है, तो अभी दोपहर का टाइम है और खाना बनाना है। और खाने में मैं बना रही हूँ आज फिश का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, तो आज मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ हमारे घर में देहात में हम फिश का सालन कैसे तैयार करते हैं। बना था फिश का सालन, तो फिश है ज़्यादा, तो मेरे पास जो है ना बर्तन नहीं था, हांडी है, तो हांडी में तो इतनी ज़्यादा फिश बनती नहीं है, वैसे भी वो टूट जाती है। तो मैंने कहा कि आज जो है ना अपने जहेज़ का सामान उसमें देखते हैं कि कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें बंदा सालन बना ले। अच्छा, तो सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने उतार दी हुई हैं और अभी जो है ना निकाल देते हैं। ये कुछ इस तरह से सारे पड़े हुए हैं सामान। अच्छा जी, तो ये एक पहले इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये जो है ये कढ़ाई मिली है, मैंने कहा इसमें जो सालन है वो अच्छा बन जाएगा, तो भी इसको मैंने निकाल लिया, इसको मैंने रखा हुआ था पहले कढ़ाई ये वाला उतार लो अभी। हाँ जी, इसको उतार लेते हैं, क्योंकि हमारे पास गैस की सहूलत नहीं है, इसलिए हमने जो सारे बर्तन है ना वो छुपा छुपा के रखे हुए, कभी अगर ज़िंदगी में गैस मिला तो फिर बर्तन उठा के जो है ना फिर हम उनमें खाना बनाया करेंगे, क्योंकि फिर ये काले हो जाते तो इनको धोना भी ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो आज मैंने निकाल ही लिया। सामान जो है वो सारा मैं लेके आ गई हूँ, तो कढ़ाई पर सबसे पहले जो है ना मैं ऑयल लगा लेती हूँ, ताकि जब इस पर ये पालक लगे तो जल्दी से आसानी से जो है ना वॉश हो जाए। नई कढ़ाई है ना, पहली बार यूज़ कर। हाँ जी, कोशिश तो करेंगे कि ये काली कम हो। सारा ऑयल लगाना था ना। अच्छा, देखा कितनी कंजूसी कर रही है आज कढ़ाई यूज़ करके ना। असल में फिर दोनों में मसला होता है ना। हाँ जी, पहले जो बर्तन हम यूज़ करते हैं वो तो सारे अम्मी जान के ही हैं, बस अपने भी निकालते रहते हैं। सबसे पहले जो है ना ऑयल डाल लेती हूँ, तो अभी मैं ऑयल मेरा गर्म हो गया तो अभी इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। प्याजों को मैंने चॉप कर लिया था, अब इनको कर लेते हैं ब्राउन। माशाल्लाह से हमारे जो प्याज है उनकी बनाई हो गई है और ये ब्राउन हो गया, तो अभी इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको भी इसी तरह से भून लेंगे। अदरक और लहसुन की बुनाई होगी, अभी इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर और हरी मिर्ची, इनको भी मैंने पेस्ट तैयार करके रखा है। अभी सारे मसाले को अच्छी तरह से पका लेते हैं। जैसे कि कभी हम इसमें मसाले शामिल करते हैं, टमाटर जो है हमारे गल चुके हैं, तो सबसे पहले नमक शामिल करेंगे हल्दी राई का पिसा हुआ कुछ धनिया, कूटी हुई लाल मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। हो गया मसाला हमारा जो वो तैयार हो चुका है, तो अभी इसमें मैं शामिल करूंगी फिश।
फिश जो है वो मैंने शामिल कर दिए मसाले में, तो अभी इसको कर देते हैं 5 मिनट के लिए कवर, ताकि जो हमारी फिश है वो गल जाए, और अगर इसको बार बार हिलाते रहेंगे तो ये टूट जाएगी, और बिल्कुल ही नॉर्मल आग पे इसको पकाएंगे। तो माशाल्लाह से सालन जो मेरा है वो तैयार हो चुका है, तो अभी इसमें सबसे एंड पे मैं डाल रही हूँ सब्ज धनिया, और इसको कर देती कवर। डाल लेते हैं मोहम्मद सुबहान जो है ना, वो भी थोड़ा बहुत शोर डाल रहा है क्योंकि आजकल उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और बड़ा ही अच्छा सालन मेरा तैयार हुआ है। तो अभी हम बनाएंगे रोटियाँ। उम्मीद है कि आपको मेरी जो आज की वीडियो है वो पसंद आएगी, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।